हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर रियन सिंह। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इतने ठंड में भी ये नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है YTM कंपनी का, तो मैं सोचा है कि मैंने आप लोग को इसके बारे में बता दूं, इसके वीडियो बना दूं। तो आज मैं इतने ठंड में भी आप लोग के लिए यह मेहनत कर रहा हूं, आपका वीडियो बना रहा हूं। रक्त शोधक जो YTM कंपनी का अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ये एक प्रकार का सिरप है दोस्तों। ये मैं आप लोग बता दूं कि YTM जो है एक तरह से हर्बल कंपनी है, यह आयुर्वेदिक कंपनी है। यह और टेस्टिमोनियल सारे प्रोडक्ट लॉन्च करती है और ये न्यू प्रोडक्ट है। आज चलिए मैं आप लोग को इसके बारे में, रक्त शोधक सिरप जिसको आप देख सकते हैं, इसके बारे में आज आप लोग को फुल डिटेल बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो इसको जानने से पहले, मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरा कोई इस प्रकार का वीडियो बनता है तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सा हर्ब मिला हुआ है। तो पहला है पपाया। जैसे कि पपाया यानी पपीता को आप जानते हैं कि पपीता बहुत ही फायदेमंद होता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इसमें जो है विटामिन का बहुत बड़ा मात्रा होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर किसी के आज जो है प्लेटलेट्स गिर जाता है तब भी आप लोग पपीता का प्रयोग करते हैं, तो पपीता हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। गिलोय, जिसे कि आप जानते हैं, गिलोय बहुत ही बेहतरीन एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है। और जो कोरोना काल अभी हाल ही में बीता है, इसमें बहुत सारे लोगों ने गिलोय का प्रयोग किया इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, तो यह इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसको अमृता का नाम दिया गया आयुर्वेद में। तो गिलोय भी मिला हुआ है, आंवला मिला हुआ है, आंवला को भी अमृता का स्थान मिलता है क्योंकि यह सैकड़ों बीमारियों से हमें बचाता है। तो आंवला भी इसमें रक्त शोधक में मिला हुआ है, तुलसी मिला हुआ है जो कि इम्यूनिटी को बूस्ट करती है और एलर्जी को भी खत्म करती है, चाहे किसी भी प्रकार की एलर्जी हो, श्वसन संबंधी हो, चाहे स्किन संबंधी एलर्जी हो, सब में एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल सब में ये बहुत अच्छा काम करती है तुलसी। तो इसमें सारे प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। एलोवेरा जो कि पेट के लिए और स्किन के लिए बहुत ही बेहतरीन माना जाता है, और कीफल भी मिला हुआ है, त्रिकाटू मिला हुआ है, कुटकी मिला हुआ है, ये सारे ऐसे चीज़ें कि स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं और किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को हमारे शरीर पे पनपने नहीं देते हैं। और बिल्वा मिला हुआ है, पुदीना मिला हुआ है और हरित की, यानी कि ये सारे पोषक तत्व जो है हमारे शरीर में कहीं भी सूजन या गांठ को भी नहीं बनने देते हैं और हमारे ब्लड को जो बिल्कुल जो फ्रेश रखते हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट मिला करके YTM कंपनी ने जो है, या सिका ट्रेडिंग कंपनी ने जो है, रक्त शोधक ये सिरप तैयार किया है। और सबसे पहले चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सा पोषक तत्व तो पाया जाता है। तो फेरिक अमोनियम सिट्रेट पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, B12 हमारी नसों की ताकत के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ब्रेन हेमरेज हो, लकवा हो, साइटिका हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटीवायरल प्रॉपर्टी पाई जाती है और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई जाती है इसमें दोस्तों, यानी कि ये वायरल इन्फेक्शन से भी हमें बचाएगा। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी बैक्टीरिया से भी हमें बचाएगा। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कैंसर के होते हैं तो उनको भी पनपने से यह रोकता है। और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जो कि हमारी उम्र को भी यह ढलने से बचाता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है YTM कंपनी का रक्त शोधक सीरम। तो चलिए मैं आप लोग को एक एक करके बता देता हूँ कि इसके और कौन कौन से गुण हैं। जो रक्त शोधक सीरप है, यह दवा जो है खून को बनाने के लिए उत्तेजित करता है, यानी कि हमारे शरीर में खून का भी निर्माण करता है। इसका उपयोग बहुत सारे लोग चाहें तो एनीमिया, जिसे होता है खून की कमी जिसे एनीमिया कहते हैं, तो एनीमिया में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और किसी का ब्लड अगर साफ ना हो तो यह ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है, यानी ब्लड को साफ करने का भी काम करता है, वे लोग भी चला सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिसको बार बार चोट लग जाती है, कट जाता है, घाव बन जाता है, तो ऐसे व्यक्ति भी इसका प्रयोग करें तो चोट या घाव को या किसी भी प्रकार का इस तरह से हमारे शरीर पे इन्फेक्शन हो तो उसको जल्दी से सुखवा देता है और जो है घाव को जल्दी से भर देता है। अगर किसी भी प्रकार की चोट की वजह से अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, सूजन हो गई, तो सूजन को घटा देता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी यह खत्म कर देता है और संक्रमण को जो है खत्म कर देता है। जो बैक्टीरिया होते हैं उनको पनपने नहीं देता है, तो बैक्टीरिया को भी मारता है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटीवायरल प्रॉपर्टी, जैसे सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, तो उसको भी नहीं होने देता है। किसी को बार बार जो है गले में खराश हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें भी फायदेमंद होता है। एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी इसमें पाई जाती है। सूक्ष्म जीवों को भी यह खत्म कर देता है जो कि हमारे शरीर को
हानि पहुंचाते हैं, ऐसे जीव को हमारे शरीर पे रहने नहीं देता है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि अगर किसी को दाद, खाज, खुजली हो रहा है, फोड़ा हो रहा है, फुंसी हो रहा है, बार बार जो है चकत्ते चकत्ते शरीर पे हो जा रहा है, एक्जिमा होता है, सोराइसिस होता है, बार बार होता है किसी को, तो ऐसे व्यक्ति जो है ये रक्त शोधक जो YTM कंपनी का है इसको चलाएं, ये बहुत ही अच्छा काम करता है और ये हमारे खून को साफ करके जो है बिल्कुल स्किन को क्लियर कर देता है, साफ कर देता है। अगर किसी लड़के या लड़कियां को जो किशोरावस्था में देखे होंगे कि बहुत सारे लड़के लड़कियों को चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं, दाग हो जाता है, धब्बा हो जाता है, तो ऐसे लड़के लड़कियां इसका प्रयोग करें, जो पिंपल्स होता है उसको खत्म कर देता है, क्योंकि इसमें जो है पेट को भी साफ करने, इसमें फाइबर की भी मात्रा पाई जाती है, तो पेट को साफ रखता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है और लीवर को जो है सही करता है। अगर फैटी लीवर है तो उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो लीवर को जो है सही रखता है, पाचन क्रिया को सही रखता है, एसिडिटी गैस नहीं बनने देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा लड़के लड़कियों को जो है जो किशोरावस्था तो उसमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, जिसकी वजह से जो है चेहरे पे जो है पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो पेट को साफ रखता है और हमारे जो चेहरे पे पिंपल्स निकलते हैं उसको जो है सही करता है, सुखाता भी है, और जो धब्बा होता है पिंपल्स की या फुंसी की वजह से जो धब्बा दाग होता है उसको साफ कर देता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने की वजह से जो है जो दाग धब्बा होता है या फ्री रेडिकल्स होते हैं चेहरे को उसको खत्म भी कर देता है। तो दोस्तों ये लीवर के लिए भी अच्छा काम करता है, ब्लड प्यूरीफायर का भी काम करता है और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसका शरीर बहुत तेजी से बुजुर्ग हो रहा है या बूढ़ा हो रहा है या चेहरा पे झुर्रियां पड़ रही हैं, तो ऐसे लोग जो है इसका प्रयोग करें, ये आपकी उम्र को ढलने नहीं देता है। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं कि जो महिलाओं को लिकोरिया की शिकायत है या गोनोरिया की शिकायत है या प्राइवेट पार्ट में बहुत सी महिलाओं को खुजली हो जाती है, बार बार दाग धब्बा हो जाता है या इचिंग होती है, बर्निंग होती है, तो ऐसी महिलाएं जो है रक्त शोधक का प्रयोग करें, ये बहुत ही अच्छा काम करता है, लिकोरिया में अच्छा काम करता है, गोनोरिया में काम करता है। इसके अलावा एनीमिया किसी महिला को है तो आप इसका प्रयोग करें, एनीमिया खून की कमी को तो पूरा करता है और आपके चेहरे को सुंदर बनाता है, चमकदार बनाता है। जिस महिला का चेहरा बिल्कुल जो है झुर्रीदार हो गया है या उसकी सुंदरता खत्म हो गई है, तो ऐसी महिलाएं जो रक्त शोधक का प्रयोग करें, उनके चेहरे को ग्लो कर देता है, चेहरे को सुंदर बनाता है और चमकदार बनाता है, तो ऐसी महिलाएं रक्त शोधक का प्रयोग करें, YTM कंपनी का ये बहुत ही अच्छा काम करता है। चलिए मैं आप लोग को रक्त शोधक को लेने का तरीका बता देता हूँ, तो 10-10 ml सुबह शाम ले लीजिए, और जिसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स है या शरीर पे ज़्यादा फोड़े फुंसी हैं, तो आप 3 times ले सकते हैं 10-10 ml, गुनगुने पानी में लीजिए थोड़ा सा और खाली पेट लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है, तो सुबह में भी खाली पेट लीजिए, शाम को भी लीजिए, अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है 3 times ले सकता है। तो इसको लेने का तरीका है सुबह शाम 10-10 ml, अगर बहुत ज़्यादा किसी को दिक्कत है तो आप जो है इसको 3 times 10-10 ml ले सकते हैं या ले सकती हैं। तो मैंने आप लोग को बता दिया कि ये जो है एक हर्बल सिरप है और रक्त शोधक है, ये रक्त को साफ करता है, खून को साफ करता है। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट करना न भूलिएगा। नमस्कार।